orientation classes i guess i am remembering ओके सो टुडे वी टू स्टार्ट द नेटवर्किंग और मैंने पूरी बता दी थी कहानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कुछ मेजर चेंजेस भी थे वो भी हमने डिस्कस करा था कि इथिकल हैकिंग एंड साइबर वर्ल्ड में क्या क्या चीजें आती हैं एंड हम किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं और या हमें करना है ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था राइट right? सो so, आज ये हमारी पहली टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड हिस्ट्री एंड अभी तक जि, अभी जितने भी पब्लिक क्लासेस चल रहे हैं डेज डेज है आई डोंट नो तब तक आ, के सारे लेक्चर्स लेक्चर यूट्यूब पे डायरेक्टली जाएंगे सो so, आज की भी जो सेशन सॉरी हो, हो सकता है कि कल जाए एक सीरीज शायद पूरी की पूरी नेटवर्क आ सकती है यूट्यूब प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं बट नॉट फॉर रियल लाइफ हैकिंग रियल लाइफ हैकिंग के कुछ कंटेंट्स हैं हम पब्लिकली अपलोड नहीं कर सकते ना ही वो सेशन पब्लिकली होंगी ओके okay? एंड हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अपकमिंग थ्री सेशन हमारे क्या होंगे तो फर्स्ट और हम देखने वाले सो uh, uh, okay? so, कल की जो हमारे सेशन होंगे वो रिकवरी पे होने वाली है डाटा रिकवरी uh, पे हम थोड़ा सा कुछ देखने वाले थिरोटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ एंड रिकवरी पे तीन चार सेशन होते हैं normal, based, आप नीचे डाउन करेंगे जिनको भी सिलेबस दिया गया होगा तो उसपे दोबारा से जब आपके फोरेंसिक सब्जेक्ट पढ़ा स्टार्ट होंगी तो उस टाइम पे अगेन डाला गया है डाटा रिकवरी यूजिंग फोरेंसिक्स क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डाटा डिलीटेड होते हैं वो रिकवर करना उतना ईजी नहीं होता तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में कई बार आप साइबर क्रिमिनल्स या मूवीज वगैरह आपने देखा होगा उस टाइम पे वो उनको फॉरवर्ड होते हैं और वो रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं डाटा को इवन कई बार हार्ड डिस्क टूट गई है या मेमोरी कार्ड हाँ ब्रेक कर गया है साइबर क्रिमिनल्स कैसे भी वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं अपने डिजिटल वेपन्स को बट वहां से डाटा रिट्रीव कर लिया जाता है तो वो सारे टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल्स हम वो सब्जेक्ट पे स्टडी करेंगे उसके पहले हम सॉफ्टवेयर बेस्ड रिकवरी की हाँ, कोशिश करेंगे अपने आप को अगर हिडन रखना है लाइक like, हैकिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है कि हम अपने आप को कितना एनोनोमस रख रहे हैं दैट मीनस अगर हम कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हमारे ट्रेक होने के कितने चांसेस है या जिनसे नॉर्मली साइबर क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते हैं क्योंकि तो हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए हम इलीगल काम करने नहीं जा रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हैकर्स कौन से चीजों को करते हैं आई डी हाइड करना मैक हाइड करना या अदर अल्टरनेटिव डिवाइस आई वगैरह भी आइडेंटिफाई कर ली जाती है तो हमें ये पता चले कि पकड़ते भी कैसे है जिनसे लोकेशन का पता चलता है या डिवाइस के डिटेल्स मिलती हैं या अदर चीजें राइट तो ये सारी डाटा रिकवरी के मॉडल्स आते हैं बट फिलहाल के लिए ये हमारा फर्स्ट सेशन है तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स और आज हम इंटरनेट के बारे में समझने वाले हैं और लगने में ऐसा लगे कॉमन टॉपिक है बट इतना भी कॉमन टॉपिक नहीं नेटवर्क के सीरीज को जिस जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि ये कितना वास्ट और कितना डेफ्थ है इसके अंदर में राइट क्योंकि नेटवर्किंग मुझे जैसा लगता है कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट वेटेज रखता है अगर आपको साइबर वर्ल्ड में एथिकल हैकिंग में या कोई भी प्रोफेशनल लेवल तक जाना है आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपका माइंड सेट ओपन जो करता है ना वो नेटवर्क ही करता है कैसे क्या आपको समझ में आ जाएगा गोपीनाथ दिस स्पेसिफिकली फॉर हिंदी ऑडियंसेस आई कांट लाइक यूज इंग्लिश चलो सो so हम अभी आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं तो पेशेंस सबके बस सुनते जाना धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी एंड कोशिश करना सारे लेक्चर्स अटेंड करो जितने भी लोग सभी रन uh, कर रहे हैं नहीं तो सिर्फ थोड़ी मोटिवेशन एंड वो ग्रिपिंग छूट जाता है ठीक है लेट्स सी इंटरनेट को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल स्टार्ट से समझते हैं क्योंकि हमारे ये जो फाइव टू सिक्स मंथ की जितनी भी जर्नी चलती है उस जर्नी में फ्रॉम जीरो टू लाइक अपर लेवल तक लेके जाते हैं और एडवांस लेवल तक समझना है तो उसके जड़ से स्टार्ट करना होता है राइट इसलिए अगर हमें हैकिंग करनी है तो वो कहीं कहीं ना कही जो 90 95 अगर मैं कुछ फ्रीक्वेंसी और हार्डवेयर बेस्ड को हटा दूं तो वो इंटरनेट की वजह से हो पाता है वैसे डिवाइसेज जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है वहां पे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता राइट सो so, इंटरनेट क्या है कैसे रन होते है ये समझना आज का हमारा पहला टास्क है और इस सेशन के एंडिंग में हम थोड़ा सा वो लाइक ट्रेलर में भी हमने कुछ की थी कि कुछ क्वेश्चन के आंसर आज हमें मिलने वाले एनी वे टू यूज फ्री इंटरनेट एंड वी आर यूजिंग लाइक वन पॉइंट फाइव जीबी ऑफ डाटा और लाइक टू जीबी ऑफ डाटा तो वो डाटा है क्या एक्चुअली में और वो टेलीफोन कंपनी से हमें मिलती है तो उनके पास कितनी क्या कभी खत्म होंगी क्या वो चोरी किया जा सकता है और इन सारे सवालों के जवाब क्या हम जो भी इस्तेमाल करते हैं टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी तो ये सारी चीजें क्या हैं इन सब चीजों के के आंसर्स आज में मिलने वाले हैं काफी लंबी सेशन चलते हैं मुझे नेटवर्क्स पढ़ाने में भी काफी टाइम लगता है आम, तो हमारे जितने भी सेशन है वो एक एक घंटा के चलते हैं एक एक टॉपिक एक एक घंटा के चलते हैं तब भी उतना टाइम लग जाता है मंथ के अराउंड आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क कितना डेप्थ होगा राइट सो लेट जस्ट स्टार्ट मैं चैट बॉक्स में ऊपर आता हूं और मैं हर मिनट के बीच बीच में चैट बॉक्स में आया करूंगा कंप्यूटर नेटवर्किंग पेपर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर या एग्जैक्टली exactly. और ये कि इस टाइम पे कई सारे जी और अदर जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करते हैं वहां भी इसके क्वेश्चन होते हैं तो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल भी इंक्लूड कर लेता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं ठीक है सर स्टूडेंट्स विल गेट सर्टिफिकेट तो डेज सर नहीं ऐसा तो नहीं कि डेज के लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह इशूज होंगी ठीक है तो ये नॉर्मल ही क्लासेस है बट मैं भी शायद सी देखो की पूरी सीरीज में यूट्यूब आनी हुई तो फॉर वन मंथ हम कुछ स्टूडेंट्स के लिस्ट निकाल के नोटिफाई कर देंगे तब तक बाकी बच्चों ने जो रांची वाले ऑडियंसेस है जिन्होंने कोडिंग्स और बाकी चीजों के लिए फिलअप कर रखा था उसके नोटिफिकेशन जल्दी इसी वीक आपको मिल जाएंगी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है या कौन से ग्रुप में उसकी इन्फॉर्मेशन जाएंगी मुझे लगता है संडे तक के टाइम लगेंगी तब तक हम अपने नेटवर्क स्टार्ट तो करते हैं चलो सो so, <coughs> इंटरनेट स्टार्ट करनी है सो so, इंटरनेट को स्टार्ट करने से पहले ना कई सारे नॉर्मल और लाइक इंपॉर्टेंट चीजों को समझने वाले हैं तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ये मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ जब इंटरनेट बना ही नहीं था बहुत पहले अगर हम चले जाए या इंटरनेट के फंडामेंटल वर्किंग को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट सपोज दिस वन इज अ पर्टिकुलर मोबाइल फोन ये ए फोन है और या किसी ने सपोज कर लो किसी का मोबाइल फोन है और उस टाइम पे आपका न्यू न्यू फोन है आप चाह रहे हैं कि इस टाइम पे मैं कॉल करूं और किसी को भी इंटरनेट में रीच करूं राइट बट यू आर नॉट एबल टू लाइक टाइप एनीथिंग ऑन क्रोम और आपको वहां पर रिजल्ट मिल जाएगा तो आप क्या करते हैं आप टेलीफोन कंपनीज के पास जाते हैं या फिर तो कोई रजिस्टर्ड शॉप के पास में जाते हैं उनको बोलते हैं कि भैया मेरे एक एयरटेल का जियो का और जिस भी टेलीफोन कंपनीज के आपको जो है सिम चाहिए वो सिम आप ले लेते हैं राइट

कि मोबाइल फोन को हैक करना ट्रैक करना उन सब चीजों के बारे में जब सीखेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा कि वो कैसे काम करता है क्या होता है अभी तक कई सारे मिथ होती है हमें आप सुनते होंगे ना कि आईएमआई नंबर के बेसिस पे ट्रैकिंग होती है बट ऐसा नहीं है आज के सेशन में आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसलिए मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन वाले सब्जेक्ट्स पे या क्योंकि um, मैं खुद भी इन्वेस्टिगेशन से मेरी एक्सपर्टीज है तो मैं चीजें आपको बताते चलूंगा कि एक्चुअली में क्या होते हैं साइबर सेल वाले या लॉ इन्फोर्समेंट जो होते हैं वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं उसमें एक्चुअली ट्रेकिंग विद हेल्प ऑफ आई नंबर बट नॉट ओनली आई नंबर या आई नंबर के बेसिस पे number, number, के बेसिस नहीं होता अभी उसको बारीकी से समझते हैं इसलिए मैंने पहले बताया कि ये टॉपिक जो है ना काफी कॉमन है एंड बहुत बेसिक से लगता है की सबको आता होगा यार इंटरनेट इतना कॉमन टॉपिक है बट मेरे जितने भी कॉमन टॉपिक्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं बहुत डेप तक हम समझने वाले हैं इसलिए ध्यान से सुनना और बाकी रिकॉर्डेड तो आपको मिली जाएंगी समझने के लिए और जो कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे जहां से आपको रेफरिंग करना है उसमें नाइन्टी परसेंट चीजें ऐसी नहीं होंगी जो क्लासेस के दौरान मैं बोलूंगा वो रिट डाउन में उतना सब कुछ मेंशन करना नहीं पॉसिबल हो पाता है सो लाइक प्रिपेयर योर नोट्स और वहां पे जो भी इंपोर्टेंट लगे वाइल्ड द सेशन आप उसमें नोट्स कर सकते हैं और रिकॉर्डेड वगैरह से भी देख के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं ठीक है तो uh, मैं क्या बता रहा था आईएमआई नंबर राइट सो आईएमआई नंबर में होता है क्या है कि uh, आपके जो डिवाइस पे हार्डवेयर काइंड ऑफ जो आइडेंटिटी मैंने बताई तो जब भी आपने सिम इंसर्ट किया सिम इंसर्ट करते के साथ में उस टेलीफोन कंपनीज को ये डिटेल्स मिल जाती है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनके पास में दे हैव द इंफॉर्मेशन कि अब लेट्स सपोज आईएमआई नंबर इज 123 इस आईएमआई नंबर के में ये वाले सिम नंबर एक्टिव है दिस टाइम पे और जब भी मोबाइल चोरी होते हैं ना उसके लिए मैंने कुछ लिंक्स वगैरह सर कि, आउट किए थे कि कहाँ से ट्रैकआउट होते हैं या फिर तो आई नई ब्लॉकिंग वगैरह के लिए उन वेबसाइट्स को आप यूज कर सकते हैं तो अगले तो सपोज कि आपका किसी ने मोबाइल चोरी किया और चोरी करने के बाद जो है उसने मोबाइल को स्विच ऑफ ही रखा तो उस टाइम पे साइबर सेल वाले अगर सर्विलेंस में डालेंगे भी तब भी उस मोबाइल फोन की ट्रैकिंग नहीं हो पाएंगे ये रिलेटी है। कई बार मुझे भी कई केसेस आते हैं या पिंगिंग आती है कि सर ये मोबाइल लॉस्ट हो गया है इसको कहां से ढूंढना चाहिए लास्ट टाइम पहले भी कुछ मैसेज आए थे बट मैं देख नहीं पाया मुझे बस नोटिफिकेशन दिखे थे उसके की मोबाइल चोरी हो गई तो कैसे ढूंढे दर गेटिंग पैनिक की एक दो दिन में हमें मोबाइल फोन मिल जाए बट मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूं अगर मोबाइल फोन मिलना भी हुआ तो एक दो दिन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि जो लोग भी मोबाइल चोरी करते जब तक अगर मोबाइल फोन तो ऑन है चांसेस है अगर मोबाइल फोन ऑफ हुआ तो कोई चांसेस नहीं है उसके बाद कब चांसेस होंगी वो लोग क्या करेंगे आपके फोन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और ब्रेक करने के बाद फिर करने करने के लिए आपका सिम 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 फेंकेंगे एंड अगेन दे विल ट्राई टू इंसर्ट इंसर्ट अ न्यू न्यू तो जब भी की कोशिश करेंगे न, तब टेलीफोन कंपनीज के पास में एक नोटिफिकेशन जाएंगे कि इस आई नंबर के साथ में ये नंबर पहले रजिस्टर्ड था या ये नंबर एक्टिव था बट अब इस आई नंबर पे हमें दिखा रहा है कि दूसरे नंबर एक्टिव है राइट तो उस नंबर के बेसिस पर फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और वो भी तब होगा जब लॉ एनफोर्समेंट वालों ने सर्विलेंस के लिए ऑलरेडी दे दिया है कि हाँ ठीक है इस नंबर पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं ठीक है तो उस तरीके काम होती है चलो अभी हम तो आ, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई वहां पे एंड उसके बाद फिर आप आप किसी को कॉल कर सकते हैं लेकिन क्या हम इस टाइम पे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं उसके लिए फिर से आपको जाना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि भैया काम करो या तो आप खुद से काम करते हैं कि आप रिचार्ज कर लेते हैं टू थर्टी का टू फिफ्टी फाइव का थ्री हंड्रेड का फोर हंड्रेड का वट एवर मे बी दैकेज वन पॉइंट फाइव जीबी ओप डाटा टू जीबी ऑफ डाटा थ्री जी ऑफ डाटा राइट वो डाटा पैकेज आप भराते हैं भराने के पास साथ में क्या होता है आपको कि आपको आई एस पी के थ्रू इंटरनेट मिलती है राइट सो लेट सपोज

1.5 जीबी के अगर आपने डाटा पैक भराई दैट मीन्स की दे हैव द कंट्रोलिंग की आप जो है 1.5 पॉइंट जीबी ऑफ डाटा यूज कर पा रहे हैं ठीक है अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको यहाँ पे होल्ड पे रखते हैं थोड़ा और समझने के बाद ही ज्यादा समझ में आएगा तो उनके पास में वो भी डिटेल चली गई कि आपने जो है आईपी एड्रेसेस सॉरी आपको एक आईपी एड्रेस यहाँ पे मिलता है लेट मी जस्ट राइट आपने जब एक्टिवेट किया तो आप कॉल कर सकते हैं राइट पर जब आपने पैक भरा है तो आपको उस टाइम पे या फिर कई बार होता है ना कि आपने जब सिम ही इंसर्ट किया सिम इंसर्ट करते के साथ में आपको एक डायनेमिक आईपी एड्रेस मिलती है जो कि आपके खुद के फोन में होता है इसको पैसे चेक कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस को हालांकि ये नेटवर्क में जैसे जैसे हम नेटवर्क पे आगे इन करते जाएंगे हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और आईपी एड्रेस के बेसिस पे ही लोकेशन की ट्रैकिंग होती है मुझे एक मिनट देना मैं अपने फोन पे देख ले रहा हूँ कहाँ पे मिल रहा है उसका मैं आपको बताता हूँ कि डायनेमिक आईपी एड्रेसेस क्या होती हैं और अगर आप अपने फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में ना कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं और नेटवर्क से जुड़ी होती हैं लेट मी जस्ट सर्च ऑन माय फोन ठीक है। अबाउट फोन ना उस पे आप चाहेंगे कोई सा भी आपको दिखेगा या तो लीगल इन्फॉर्मेशन या फिर अपर साइड में ही आपको दिख सकता है let me just show you status. Hmm. Status information मुझे इस टाइम पे दिख रही मेरे फोन पे एंड दैट आई पी एड्रेस इज लेट मीन जस्ट सो यू एक मिनट हो इन जैसे जैसे क्लासेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये चीजें और भी बेहतरीन समझ में आती जाएंगी ठीक है मैं अपने उसको इस, उसके स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आई गेस मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होंगी मैंने स्क्रीन लिया हुआ है और ड्यू टू तो सम सिक्योरिटी रीजन मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन साइड कर दिए हैं सो वंस विल विजिट योर लाइक स्टेटस इंफॉर्मेशन और लाइक आप अबाउट सेक्शन में जाकर चेक करेंगे सो इन्हें आईपी एड्रेस सेक्शन आप यहाँ पे अपने आईपी एड्रेस देख सकते हैं और ये आईपी एड्रेसेस अलग है ठीक है आप नेटवर्क्स में भी जितना आगे बढ़ोगे ना आप कन्फ्यूज करोगे लोकल आईपी क्या है प्राइवेट आईपी क्या है पब्लिक आईपी क्या है अभी मैंने एक और बता दिया दैट इज अ डायनेमिक आईपी एड्रेस राइट तो स्टेटिक आईपी डायनेमिक आईपी लोकल आईपी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी सबके अपने अपने फंडामेंटल है उसमें भी अलग अलग पार्ट है और ये आईपी जो मैं बता रहा हूँ अभी मैंने क्या बताया सिर्फ अभी मैं आपको स्टेटिक डायनेमिक में बताऊँ अभी हमें कुछ नहीं पता अभी आप इतना समझो कि ये वैसे आईपी एड्रेसेस हैं जो कि आपकी चेंज होंगी अगर आपने सिम बंद कर दिया या आपकी मोबाइल लॉस्ट हो गए या आपने अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करोगे तब भी ये चेंज हो जाएगा और इस चीज से भी लोकेशन ट्रैकिंग होती है अब इसमें इसका मतलब क्या है लाइक वन का मतलब क्या है एनोल ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे नेटवर्क्स में जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेरा भी काम था कि जैसे ही आपके पास में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी आती है अब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देखना ठीक है मैं रिज्यूम कर लेता हूँ तो जैसे ही हमें इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी मिलती है वैसे ही हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है एक आइडेंटिटी मिलती है और उस आइडेंटिटी के मिलने के बाद हम गूगल पे कुछ भी चीजें टाइप कर सकते हैं तो अब क्या करेगा ये पर्सन जो ए है ना ये अभी कुछ लिखेगा लेट सपोज कि मुझे यूट्यूब तक रीच करना है या उस पर्सन को ओपन करना है या क्रोम पे जाके फेसबुक ओपन करना है तो वो क्रोम पे जाके सिंपली फेसबुक डॉट कॉम यूट्यूब डॉट कॉम टाइप करेगा तो उसको वो ओपन होके मिल जाएगा राइट अब जैसे ही वो टाइप कुछ भी करेगा ना तो अभी मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक काइंड kind ऑफ of, मैंने लिफाफा बनाया इस तरीके के कुछ लिफाफे इसके अंदर में उसके इंफॉर्मेशन होंगे कि वो क्या लेना चाहता है ये क्रोम पे जाके टाइप कर रहे हैं और जैसे हिट इंटर पे करते हैं हिट हिट पे हम क्लिक करते हैं, करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डिवाइस से निकलती है और सर्वर तक जाती है उस रिक्वेस्ट को मैंने लिफाफा यहां पे बताया है और इस लिफाफे में हमारा आईपी एड्रेस होता है जिस आईपी एड्रेस मैंने अभी बताया हालांकि ये आईपी एड्रेस नहीं होती और भी अलग अलग तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं बट फिलहाल आप ऐसा समझो कि वो एक एरिया लोकेशन का आईपी एड्रेस होता है और कहां तक जाना है कौन भेज रहा है सब कुछ इसलिए मैंने एक चिट्ठी का एग्जाम्पल दिया कि इस चिट्ठी को कहीं तक भेजना है कहीं से मंगाना है तो उसमें सेंडर रिसीवर दोनों के एड्रेसेस और कुछ और डिटेल्स दोनों ही होते हैं इसलिए जब भी ट्रैकिंग होती है इस टाइम पे आप सारे लोग गूगल मीट में मेरे साथ में कनेक्टेड हो तो मैं मेरे जो विंडो है ना विंडो के लॉग फाइल में हर एक एक्टिविटी एक रिकॉर्ड्स होती है और जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो हम क्रिमिनल्स के लैपटॉप मोबाइल फोन से वो लॉग फाइल को निकालते हैं ताकि वहां पे लेट सपोज कभी आप लोग सारे लोग कनेक्टेड हो ये आपकी जो वायर सार के एनालिसिस वाले कभी कुछ सेशन होंगे तो वहां पे बताए जाएंगे यूट्यूब पे मैंने आई थिंक स्प्लंक वगैरह पे uh, एक दो सेशन उस में थोड़ा मैंने डिटेलिंग में दी है जानकारी तो उस लोग फाइल में कौन से लोग कनेक्ट हो रहे हैं क्यों कौन से लोगों ने ई किया या कोई एक्टिविटीज हुई मेरे लैपटॉप में एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड उसका आईपी एंड ऑल तो उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करा जाता है फिलहाल के लिए हमें इंटरनेट के एक्टिविटी कनेक्शन मिल गए अब हम कुछ भी चीजें टाइप कर सकते हैं अब ये निकलता कैसे है उसको समझते हैं मान लेते हैं कि गूगल एंड यूट्यूब का सर्वर यहाँ पे ठीक है गूगल एंड यूट्यूब का सर्वर है यहाँ पे और ये भी जितने भी चीजें बताई जा रही हैं ये सब कही कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में इंपोर्टेंट होते हैं इसलिए ध्यान से समझना तो लेट सपोज कि यहाँ पे ये लिफाफा निकला और ये सिग्नल निकली सिग्नल के फॉर्म में निकलता है ये तो इस मोबाइल फोन से भी मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ कि ये सिग्नल के फॉर्म में निकला ठीक है अब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल बहुत डेप्थ में जितना जानकारी देनी चाहिए दे तो सिग्नल so, के फॉर्म में, में निकलने के बाद ना ये नियरेस्ट टावर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं नियरेस्ट टावर राइट या फिर बाद में भी हम राउटर वगैरह भी बोलेंगे तो इसके थ्रू फिर से अभी तक ये वायरलेसली जा रहा है अभी तक हमें क्या जानकारी थी

वायरलेस से नहीं हो रही वायर्ड के थ्रू हो रही कैसे समझते हैं तो ये सिग्नल के फॉर्म में यहां तक गया एंड देन ये उड़ता उड़ता जहां तक भी भी कनेक्टेड जाए बीच में आप राउटर राउटर वगैरह ले लो फिलहाल के लिए मैं दोनों एक ही बोल रहा क्योंकि अभी हम काफी देख में तो ये सिग्नल के फॉर्म में उड़ता उड़ता ना एंड देन रिसीव होता है हमारा जो भी नियरेस्ट आपको आईएसपी मिल जाए या राउटर मिल जाए राउटर एक काइंड kind ऑफ of अभी आप डिवाइस है वैसे तो लेकिन फिलहाल के लिए कोई एंटिटी कोई ऐसा कुछ भी समझ लो हब जैसा कुछ समझ लो कितने लोगों को नहीं पता तो या एक अपने खींचता है ट्रांस रिसीविंग करता है वो टावर से सिग्नल को खींच रहा है तो उड़ता उड़ता टावर तक अगर कोई सिग्नल गया तो टावर से उसने अपने पास खींच लिया ठीक है अब खींचने के बाद ये वायर के थ्रू इसको भेजेगा वायर के थ्रू किस तक भेजेगा ऐसे करके देखो जा रहा है ठीक है और जाने के बाद जो है ये कनेक्ट होता है एक बड़े लेवल के आईएसपी के साथ में और ये बड़ा लेवल का आईएसपी स्टेट का हो सकता है या तीन चार स्टेट का एक हो सकता है इसीलिए तो आप व्हाट इज में आईपी एड्रेसेस करके गूगल में सर्च करेंगे तो हो सकता है आपका झारखंड का दिखाए या बिहार का दिखाए मोस्टली पटना का दिखाए या दिल्ली का दिखाए ऐसा कुछ आपको आई दिखेगा जबकि आप कुछ और ही स्टेट्स में बैठे हुए हैं ठीक है तो ये स्टेट की आईएसपी एस मतलब कि ये लार्जर आईएसपी है और इस ये आईएसपी कैसे कनेक्टेड होगा ये आईएसपी फिर वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा और ये वायर किससे कनेक्टेड होंगी डायरेक्टली ऑप्टिकल फाइबर से ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये समुद्र के किनारे बिछाई गई सबमरीन लाइन केबल्स इसको बोला जाता है जो कि हर एक बड़े बड़े सर्वर से कनेक्टेड होती हैं दिस इज ऑप्टिकल फाइबर इसकी आपको कॉपी मिल जाएंगी तो आप पढ़ लेना वो सारा कुछ ऑप्टिकल फाइबर ये सब कुछ हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि पूरे नेटवर्क में आखिर पूरा जाल है क्या और इन सबको डिटेल्ड में पूरे एक महीना तक चलते हैं कि आईपी आईफेड क्या है टावर क्या है सिग्नल क्या है एवरीथिंग सो दिस इज ऑप्टिकल फाइबर और इस ऑप्टिकल फाइबर से ना जितने भी बड़े बड़े सर्वर हैं लाइक आप ले लो गूगल ले लो यूट्यूब ले लो वो ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन लेकर रखते हैं कि भैया हमें भी एक कनेक्शन दे दो हम डायरेक्ट अपने ऑप्टिकल फाइबर से अपने सर्वर को कनेक्ट करके कर रखेंगे क्यों क्योंकि हमें पता है ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है या वायर है वो हाई स्पीड ट्रांसमिशन करती है डाटा की तो लाइक डाटा ट्रांसमिशन में कोई भी डिले ना हो उसके वजह से ये सारे डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं ठीक है अब हम तो कनेक्टेड रह नहीं सकते इसीलिए जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते होंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस आईपीएड राउटर वगैरह आपने अपने घर में लगवाया होगा तो वो वायर लेके आते हैं आपके घर तक और वायर के थ्रू कनेक्ट करके जाते हैं उसमें ताकि आपके बैंडविथ में इंटरनेट की स्पीड में कोई डिले ना हो स्लो ना हो और उस वायर के थ्रू आप जितने का भी बोलेंगे भैया मेरे को पांच की स्पीड आनी चाहिए तो उसी वायर में आप स्पीड बढ़ा के वो भेजना स्टार्ट कर देंगे दैट मीन्स कि वो जो वायर है ना उसके पास में कैपेसिटी है कि हाई स्पीड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं

तो सो कितने हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा और ये सब कुछ ऐसे ऐसे वायर के थ्रू दिस 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 एसएसएस से घूम के यहाँ तक जाता है फिर ये वायर के थ्रू दिस दिस ऐसे ऐसे करके आ रहा है ये पूरी की पूरी जर्नी रही ऑप्टिकल फाइबर की लेट मी जस्ट ओपन सम पिक्चर्स और जहां सब थोड़े से समझ पाएंगे बेहतर तरीके से फाइबर right. so, और लोग इस तरीके से जो है ना समुद्र के नीचे बिछाते हैं इसको ठीक है ये जो आपको दिख रहा होगा ये समुद्र के नीचे 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 नीचे, 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 नीचे बिछाया जाता है और ऐसे ऐसे करके लेट सपोज कि इंडिया का कोई सर्वर है या फिर तो किसी और कंट्री का सर्वर है सारे सर्वर को कनेक्ट कर दिया जाता है अभी यहाँ पे ना आपको ये जो ग्राफ दिख रही होगी ये भी कई बार नॉर्मल जनरल जीएस में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं इसलिए आजकल कई सारे गवर्नमेंट जॉब वाले आ, टीचर्स भी इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाए करते हैं दीज ऑल आर लाइन केबल्स अभी जो मैं बता रहा था ना ऑप्टिकल फाइबर अब ये यहां पे तीन तरह की काम करती है टायर वन की कंपनी टायर थ्री की कंपनी ठीक है टायर वन की कंपनी से काम क्या है उन्होंने क्या किया हर एक देश के जो भी ऐसे मेन मेन सर्वर हैं या फिर तो हर एक देश को एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा यह है कि एक मिनट हो इसका फायदा यह है कि अब लेट सपोज कि यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के कोई एक सर्वर से हम कोई डाटा मंगाना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा तो पाकिस्तान से इंडिया के लिए सर्वर में कनेक्ट कर दिया या फिर लेट सपोज इंडिया से मुझे अमेरिका में कुछ भेजना है तो वो कैसे जाएगा या कैसे आएगा तो उन उन सर्वर से आता है इस तरीके से इंफॉर्मेशन काम होती है मुझे इसको थोड़ा और डिटेलिंग में समझाने दो तो इसका मतलब क्या कितने ऐसे मेन सर्वर हैं जहां से इंडिया से डाटा आउट होती है तो उसके मार्किंग आपको दिख रहे होंगे पे एक मुंबई में है और साउथ साइड में बाकी दो और तीन पांच एक छे आपको दिख रहे होंगे सो दैट मीनस कि इतने ही सर्वर हैं जहां से डाटा आउट होता है तो मैं और आप जो भी कुछ टाइप करते हैं ना जाहिर से बात है या तो वो इस सर्वर से आउट हो रहा होगा या तो इस सर्वर से हो इस आउट हो रहा होगा या इस सर्वर से आउट हो रहा होगा क्योंकि वी आर ट्राइंग टू रीच लाइक सम अदर कंट्रीज सर्वर हम यूट्यूब ट्राई कर रहे हैं वो अगर इंडियन बेस्ड सर्वर नहीं है या फिर फेसबुक ट्राई कर रहे हैं या व्हाट्सअप ट्राई कर रहे हैं या फिर तो गूगल ट्राई कर रहे हैं वो दूसरे देश में सर्वर है और लेट सपोज कि यहाँ पे बिहार झारखंड में कोई बच्चा बैठ के या फिर तो दिल्ली में कोई बच्चा बैठ के टाइप करे गूगल डॉट कॉम तो कैसे जा रहा हो वो यहां से वो सिग्नल में निकलता निकलता उसके टावर या फिर तो राउटर तक ठीक है और अगर वो अः राउटर आप ले लो कि अगर राउटर तक भी सिग्नल के बेसिस पे गया लाइक वायरलेसली गया तो वहां पे फिर जो मेन हब होगा आईएसपी होगा वहां तक आपका जैसे डाटा पहुंचा ये फिर वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा कैसे ये ये लार्जर स्टेट के सर्वर तक दिस वन या फिर तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे मुंबई बेस्ड सर्वर तक तक और वो कैसे कनेक्टेड कनेक्टेड होगा होगा वायर के थ्रू और एक बार जब यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ से मुंबई वाला सर्वर फिर इसको बाहर फेंक देगा क्योंकि सबरी लाइन केबल तो कनेक्टेड ही है अमेरिका के सर्वर तक आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गूगल डॉट कॉम या फेसबुक डॉट कॉम जो भी आपको चाहिए और इनकी लॉजिक्स एंड एल्गोरिदम्स इतने लाइक सिंप्लीफाइड है इनके रूल्स कि, कि किसी का भी डाटा किसी और को नहीं जाता सब कुछ ट्रेकेबल कौन सा आईपी एड्रेस सर्च कर रहा है कहाँ जाना है इसको कहां से इन्फॉर्मेशन लाना है ये सर्वर फिर वापस कैसे राउटर को भेजेगा और राउटर आपको मोबाइल में कैसे दिखाएगा सब एवरीथिंग इज कनेक्टेड राइट तो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ सब मरीन लाइन केबल्स से मैं बता रहा था और ऐसे ही पूरी के पूरी लोग जुड़े हुए हैं तो समझ में आए 92, 95 to 97 जो हमारी जर्नी है वो वायर के थ्रू जाती है हमें सिर्फ लगता है कि हम एक कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप में एक मैसेज कर रहे हैं और हम तो वायरलेसली कनेक्टेड है एक दूसरे से नहीं हम यहाँ से सिर्फ जो है पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर तक ही हमारा वायरलेसली जा रहा होगा हमारा सिग्नल या फिर हम जो भी व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या गूगल मीट में इस टाइम पे कनेक्टेड है तो हम वायरलेसली सिर्फ उतनी ही दूर है उसके आगे हमारी जितनी भी डाटा है वायर के थ्रू जा रही है वायर के थ्रू आ रही है तो यही बताने इंटरव्यूज वगैरह में कभी कुछ पूछा गया तो अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये भी बाद में आपको हैकिंग में या माइंड सेट ओपन करने में या चीजों को ज्यादा बेहतर समझने में काम आएंगी क्योंकि नेटवर्क ने की रिसर्च बुक्स बुक आएंगे विद इन वन और टू ईयर्स में तो उसके बेसिस पे अः मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी को भी ज्यादा बेहतर आपको समझना चाहिए आगे चल के अगर आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैकिंग करना चाहते हैं या सिम पे कंट्रोलिंग करना है या फिर तो जो आपके कॉल मॉनिटरिंग होती है जो सर्विलेंस पे डाले जाते हैं या साइबर सेल या इन्वेस्टिगेटर्स जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या फंडामेंटल्स होते हैं और उसको कैसे मॉनिटरिंग करा जाता है उस पर भी एक आध सेशन बहुत पहले मैंने डाल रखा था यूट्यूब पे पर उसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को समझते हैं और फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हमें टायर वन टायर टू और टायर थ्री के कंपनीज को समझना जरूरी है तो हमने टायर वन की कंपनी तक का तो हमें फंडामेंटल्स क्लियर हो गया कि सर वो सारे देश को समरी लाइन केबल से कनेक्ट करते हैं ताकि कोई भी देश का बंदा या फिर तो कोई भी इंसान अगर कुछ भी टाइप करता है तो उस देश के आउटर सर्वर से वो निकलेगा दूसरे देश पे जाएगा और वहां से कुछ भी डिटेल्स लेके उसी रास्ते से उस इंसान को मिल जाएगा दैट इज द फर्स्ट वी लाइक स्टडी दूसरा हमने अभी तक ये समझा कि इंटरनेट में आखिर हम किस तरीके से कनेक्टेड है वायर्ड वायरलेसली इतना तक समझा ठीक है अब टायर वन की कंपनी, टायर वन की जो कंपनीज है ना उन्होंने जब अपना काम खत्म कर दिया तब यहां से suppose, जीओ ने क्या किया कि इस वाले सर्वर से उन्होंने वायर बिछाना स्टार्ट किया इस कंट्री में सॉरी इस स्टेट में इस स्टेट में तमिलनाडु में हैदराबाद में दिल्ली में बिहार झारखंड में जहां जहां तक वो बिछा सके ठीक है ऐसा करके उन्होंने बिछाएं बिछाने के बाद उन्होंने बोल लिया क्या कि हम जो है इस इस स्टेट में ये ये वायर हमने बिछा दिए हैं तो अब जितने भी लोग फोर जी पैक आएंगे फाइव जी पैक भराएंगे उनको जो है इस वाले वायर से हम ट्रांसमिट करेंगे लाइक like, सपोज कि के पास में पहले कम पैसा थे, तो उन्होंने क्या किया कि थ्री जी के वायर सब जगह पे स्टेब्लिश किए थ्री जी के टावर स्टेब्लिड किए राइट right? उसके बाद फिर उन लोगों के पास में पैसा आ गया तो उन्होंने फोर जी का इम्प्लीमेंट किया अभी उन लोगों ने क्या किया फाइव जी का इम्प्लीमेंट किया तो फाइव जी का वायर जहां जहां पे उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया या कुछ टेक्नोलॉजीज के भी यूज होती है तो इस टेक्नोलॉजी इस लाइक वो हब वो जो आई उन्होंने क्रिएट किया हर एक स्टेट में हर एक पर्टिकुलर जगह में आ, उन्होंने टावर्स इंप्लीमेंट किए ताकि वो हाई सिग्नल को रिसीव करके फिर उसको ट्रांसमिट कर सके तो उसके बाद उन्होंने क्या वो? अब जो है अगर आ, आ, डाटा कम्युनिकेट करना चाहते हो तो अब आप 5G पैक भरा पे बैठ के और आपने जो 5G पैक फाइव जी पैक फाइव जी पैक कैसे निकलेगा यहाँ से आप कुछ भी कर रहे हैं उड़ता 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 सिग्नल फॉर्म में निकला ये आपके नियरेस्ट टावर टावर टू आपका नियरेस्ट राउटर या फिर तो जाओ फिर जाओपी होगा एक बार वहां तक पहुंच गया वायरलेसली उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि अच्छा आपने इस टाइम पे फाइव का पैक भरा रखा है तो उसको समझ में आ जाएगा ये फाइव जी के पैक में भरा सर हम डाटा को इस ब्लू वाले वायर से भेजेंगे सो so दैट कि आपकी डाटा जो है हाई स्पीड पे जाए और आपके लिए डाटा जो है हाई स्पीड पे आए सो so दैट आप बेहतर तरीके से लाइक uh, like, यूज कर सकते हैं सर्फिंग कर सकते हैं इंटरनेट को अगर आपने टू जी पैक भराया थ्री जी पैक भराया तो वही क्या करते हैं क्योंकि उनके पास में कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग है कि ये आईपी एड्रेसेस कौन से पैक भरा रखे अगर आपने कम पैक पैक भरा 4G भरा रखा रखें तो वो बोलेंगे क्या क्या या फिर वो कंट्रोल करेगी ठीक है मैं इस वाले रिक्वेस्ट को अच्छा इसने मूवी डाउनलोड की रिक्वेस्ट डाली है उस पैकेट को मैं रेड वाले वायर से भेज देता हूँ ताकि स्लो स्लो वो घूम के जाएगा स्लो स्लो घूम के आएगा सो दैट इज द मेन फंडामेंटल्स बिहाइंड टू जी थ्री जी फोर जी जो भी हम इस्तेमाल करते हैं अभी तक इसके आगे चलने के बाद जो है आ, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वायर की फंडामेंटलिंग आती है कुछ टेक्नोलॉजीज भी यूज होती हैं हैं जो जो ट्रांस रिसीविंग या ट्रांसमिटिंग करने में प्लस कई सारे एनवायरमेंट भी होते कि कि हाई सिग्नल ऐसा नहीं कि हम है एट जी को प्लांट कर दें और वो कर लें बट द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी आपको समझ में आया होगा इनके अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं अलग अलग वायर्स हैं जो अलग अलग टेलीफोन कंपनीज आप जैसा भी पैक भराएंगे उनके बेसिस पे आपको उसमें कनेक्ट कर देंगे और वो यहाँ से निकल के जाएगा फिर डाटा लेके आएगा फिर आपको इस तरीके से मिल जाएगा और अगर हम बात करें टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी की तो इस पे बेस्ट मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया भी था कुछ सेशन में तरंग संचार के बारे में देर इज ए गवर्नमेंट पोर्टल आप वहां पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो टावर लोकेशन एंड उनकी फ्रिक्वेंसी को भी देख सकते हैं अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्या कि कॉल की मॉनिटरिंग और जो आ, हमने अभी तक ना इंटरनेट कनेक्शंस को देखा अब हम नॉर्मल कॉल कैसे कनेक्ट होते हैं उसको समझते हैं और हम एक ओवरऑल समरी आज कंक्लूड कर देंगे कि ठीक है अभी इंटरनेट में टोटली totally यही सारी चीजें चल रही हैं अब हमें इन सब चीजों को डिटेल्ड में समझना है कि आईएसपी क्या है सिम क्या है आई नंबर्स नंबर क्या है फ्रिक्वेंसीज क्या है आईपी एड्रेसेस क्या है कैसे ट्रेक होते हैं एनऑल एन ऑल और पूरा नेटवर्क इसी का एक इनडेप्थ पोर्स है यहाँ पे क्लिक किया और ये गवर्नमेंट की पोर्टल है इसका हैकर्स भी काफी फायदा उठाते हैं कई बार आ, उनको अगर पूरी की पूरी टावर को हैक करनी होती है तो अगर टावर को हैक कर लिया तो उस टावर से जितने भी लोग कनेक्टेड है सो so, मैंने सेंड किया एंड लेट जस्ट सी अगर मैं यहाँ पे आ, अपने नियर अबाउट का अगर टावर देखना चाहूँ तो फिलहाल डिटेल पुट कर दिए आपको कुछ ईमेल आईडी डालने पड़ेंगे इसमें एंड फॉर मोबाइल नंबर मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिया जिनके पास नहीं होंगे so और हम थोड़ा सा फंडामेंटिंग देखते हैं सो so हैकिंग इतना ईजी भी नहीं है मेरे हिसाब से लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है आपको ध्यान से सब चीजों को पढ़ते जाना पड़ेगा एंड कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों को लेट दीपी So yeah, अभी यहाँ पे हमें अपने नियर अबाउट में सारे टावर लोकेशन दिख रहे होंगे सो राइट नाउ आई मीन रांची तो थोड़ा और इसको जूमआउट करते हैं राइट तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेट सपोज यहां पे एक एरिया है लालपुर, लालपुर आपको नीचे में लिखा हुआ यहाँ पे ग्राउंड बेस्ड रूफ टॉप एंड वॉल माउंटेड टावर पे अलग अलग तरीके के होते हैं आपने कई बार देखा हो बिल्डिंग के ऊपर में कुछ टावर लगाए जाते हैं जो कि रूफ टॉप में आता है कुछ वॉल माउंटेड होते हैं कुछ ग्राउंड बेस्ड होते है जो कि आपके नॉर्मल फील्ड में पूरे खड़ा किया जाता है या उसके कुछ हब होते हैं पूरी के पूरी। Let's just click one or two, और अगर आप आप इस वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे तो लेट सपोज की ठीक है इन तीनों के बीच में आपकी लोकेशन यहाँ पे है so, कई बार पुलिस क्या करती है ट्रेंगुलर मेथड का भी इस्तेमाल करती है तो फाइंड आउट द लोकेशन अगर आपके मोबाइल फोन का हम जब पता लगाते हैं ना कि आपके मोबाइल फोन जो इस टावर इस टावर इस टावर से कनेक्टेड हुई है तो एक ट्रेंगुलर बनता है टावर का लाइक ये तीनों को हम अगर हम अगर इस कोथड के अंदर में क्योंकि तो मैक्सिमम टाइम आप अपने नियरेस्ट टावर से ही कनेक्ट होते हैं राइट तो उस मेथड बेसिस पे हम कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके कई बार लोगों तक पहुंच जाते हैं फिलहाल ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन पे क्लिक करने पे क्या डिटेल्स आ रही है पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि आपके नियर अबाउट में आप कौन से टावर से कनेक्ट हो रहे हैं उनकी सिग्नल uh, स्ट्रेंथ क्या है और किसकी टावर है ये देखो बी एस एन एल की टू जी थ्री जी टावर है इसकी प्रॉपर लोकेशन आपको दिख रही होंगी uh, इस पर क्लिक किया तो ये आपका ग्राउंड बेस्ड नहीं सॉरी रूफ टॉप है यहाँ पे आपका आ रहा है क्या ये रिलायंस जियो की फोर जी टावर है इसकी पूरी एड्रेस आपको आ रही है और लेट जस्ट क्लिक ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या आता है तो इससे मैं बताना ये चाहता था कि हर एक सिम की ना अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है इफ यूजिंग टू 2G तो आपका वो 800 हंड्रेड मेगा पे चलता है आप अगर 3G की बात करें तो आई गेस सत्रह अठारह सो मेगा तेईस सौ या चौबीस सौ मेगाहस्ट पे चलता है इस तरीके से अभी 5G जी की अलग फ्रीक्वेंसी हो तो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं अब इस फ्रीक्वेंसी को क्यों समझना सर इसकी जो कॉन्सेप्ट है अभी आगे जब मैं बताऊंगा कि हम एक आ, दूसरे के साथ में कॉल पे कैसे कनेक्ट हो जाते हैं तब आपको समझ में आएगा तो पहले इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बट ये वेबसाइट्स भी ज्यादा यूजफुल है जैसे आप आगे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैकिंग करेंगे फ्रिक्वेंसी बेस्ट है कार को हैक कर लिया जा रहा है आप जो की प्रेस करते हैं ना कार को ओपन करने के लिए तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है और आपका आ, की ओपन हो जाता है लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं फ्लिपर जीरो या हैक आ रहे पैसे डिवाइस से वो आपकी फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करते हैं लिसन कर रहे होते हैं जैसे आपने की प्रेस किया तो उसने फ्रिक्वेंसी कैप्चर कर लिया अच्छा ये वाला साउंड जो है सिक्सटी हर्ज की फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है तो जब आप नहीं भी रहेंगे ना तो वो डिवाइस से वो क्या करेंगे 60 हर्ज की फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करेंगे और फिर आपका कार ओपन हो जाएगा ऐसे फ्रीक्वेंसी पे हैकिंग होते हैं सिमिलरली सीम की मॉनिटरिंग भी ऐसे ही होती है फिलहाल मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन के शेयर करके आपको कुछ दिखाना है जो इन्फॉर्मेशन डिटेल मेरे मेल पे आई है उसके बाद फिर हम आगे समझेंगे आई होप मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी तो इस पे आप देखो हाँ जैसा कि मैं बता रहा था यहाँ पे द ऑपरेटर्स यहाँ पे डिटेलिंग आ रहा है थोड़ा और जूम कर लेना तो पे 1800, 2300, 4G ऐसा कुछ सिम करके आ रहा है राइट तो इसके विंड स्पीड एंड ऑल तो पूरी डिटेलिंग आपको टावर के बारे में जो है ये ई पे भेज देता है जैसा अभी हम लोगों ने जिस भी टावर की हमें इसकी प्रॉपर एड्रेस मोबाइल नंबर एवरी डिटेल्स इसका भी हैकर्स काफी फायदा उठाते हैं फ्रीक्वेंसी को जानने में या फिर अगर आपको कई बार कॉल मॉनिटरिंग करना होता है तो उसके लिए भी एमसी कैचर या ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको सेटअप करके आप अपने नियर अबाउट में टावर से होने वाले या आप में से जितने लोग उस टावर से कनेक्ट हो रहे हैं सबकी जानकारियां इवन कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल मॉनिटरिंग लाइव आप किससे बातचीत कर रहे हैं क्या ओ टीपी जा रही है सब चीजों को सुना और देखा जा सकता है आपके सिग्नल स्ट्रेंथ को डाउनग्रेड करके इसलिए फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है राइट तो थोड़ा सा अब बैक आते हैं यहाँ तक हमें समझ में आया होगा अभी हम थोड़ा सा कॉल वाले फीचर्स को समझ लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में कॉलिंग में कैसे कनेक्टेड होते हैं ये तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी उसके बाद फिर हम कुछ कंफ्यूजन की बातचीत करेंगे कि आज के पूरे क्लासेस में हमें क्या समझ में आया क्या नहीं आया और आगे किस तरीके से हमें और प्रोसीड करना है तो इसको मैं इरेज करता हूँ दोबारा से कहानी हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी में लेट सपोज यहाँ पे मैं दो नाम लेता हूँ ये मैंने दे दिया संस्कार राइट और इधर मैंने बना दिया अंकित बना दिया ठीक है दिस दिस वन वन संस्कार एंड अंकित राइट और ये ये फोन है ठीक है संस्कार का फोन है ये अंकित का फोन है और यहाँ पे मैं अपने भी एक फोन बना लेता हूँ तो मैंने अपना लक्ष्य का बना लिया ठीक है अभी क्या होगा ध्यान से सुनना जो भी आपने सिम कार्ड को देखा है ऐसे सिम कार्ड आपका ऐसा कुछ दिखेगा उसके बीच में ना एक छोटा सा ऐसा कुछ वो जो भी आप बोलो जैसा कुछ भी आप रहा जो कि आपका रहता है ट्रांसमिटिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है चिप तो वो चिप में आपके कई सारे ऐसे सेक्शन बने होते हैं ऐसा ऐसा करके आपने देख रखा होगा राइट अब वो जो पर्टिकुलर चिप होती ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती ठीक है जैसे भी मैंने आपको बताया थ्री जी का फोर जी का सो एवरी नंबर हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी मतलब नहीं समझ मैं, में क्या बोल रहा हूँ जैसे आपने सुना होगा कि कई बार मोबाइल का स्टार्टिंग चार डिजिट पे आपको ये पता चल जाता है कि ये इस स्टेट का है और यहाँ का है इस ऑपरेटर का है सब कुछ पता चल जाता है वैसे ठीक है वैसे ही लेट सपोज अभी मैं बनाता हूँ कि संस्कार को अंकित को कॉल करना है राइट अंकित के मोबाइल नंबर है वन टू थ्री और मेरा मोबाइल नंबर है थ्री फोर फाइव सॉरी डिजिट right? के जितने भी नंबर एंड अंकित की जो नंबर है ना उसके मोबाइल नंबर कुछ तो होगी टेन डिजिट की हर एक नंबर आप या मैं जो भी इस्तेमाल करते हैं उस नंबर का फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि तो उसकी रेंज थी सिक्सटी टू सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव हज राइट ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस है कि इस बीच में अगर फ्रिक्वेंसी रही तो उसका सिम ऑपरेटेड अच्छा करेगा अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं एक पेशेंस रखो मेरा क्या है मेरा इस टाइम पे है फिफ्टी फाइव टू एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सॉरी टू राइट अभी संस्कार काम नहीं लेते हैं क्योंकि उसको तो कॉल करना है अब क्या होगा अब प्लेज सीधा सिन आयो संस्कार अपने डायल डाइलपेड पे गया मोबाइल फोन पे उसने टाइप किया वन टू थ्री दैट इज द फोन नंबर ऑफ ए अंकित तो यहाँ से ना सिग्नल निकलेगा अच्छा इस टाइम पे अलग सिग्नल निकलता है ठीक है बाद में आपको बताऊंगा कि इंटरनेट कॉल में एंड हमारे नॉर्मल कॉलिंग में एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल का क्या होता है ठीक है दोनों को समझना पड़ेगा डिजिटल सिग्नल कैसे काम करती है एंड एनालॉग सिग्नल कैसे काम करता है इन सब चीजों पर तो हम ध्यान भी नहीं देते अगर आपने एक मूवी देखा होगा लूसी करके है अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा आप देखना अच्छी मूवी हॉलीवुड की मूवी है उस पर एक लड़की होती है वो अपने दिमाग का हंड्रेड इस्तेमाल करती है तो उसको ना सारे सिग्नल कैसे जा रहे हैं क्या हो रहा है सब कुछ समझ पाने लगता है तो ये मूवी वॉच कर लेना इसके बाद बाद एक एक दो क्लासेस में, करना, हैकिंग में। बार तो आप देख देखे सारे आपको मिल जाएंगे तो संस्कार ने वन टू थ्री टाइप किया जैसे हिट इंटर किया ना तो पता है क्या होगा जैसे हिट इंटर करा हिट इंटर करने पे ही एक, एक सिग्नल निकलेगा यहाँ से एक सिग्नल यहाँ से निकला सिग्नल निकल रहा है ठीक है

ठीक है क्योंकि 60 टू 65 फाइव हज के फोन मिल रहे हैं एंड दोनों उस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं ये नॉर्मल सिनारियो बट कभी कभार क्या होता है नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं तो उस टाइम पे कि आ, संस्कार ने इस टाइम पे वापस से सेम नंबर डायल किया वन टू थ्री ठीक है सिग्नल भी प्रोड्यूस हुई सिक्सटी टू सिक्सटी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रेंज करना अच्छा सर आप ये क्यों बता रहे हैं हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जिन लोगों को हैक आर एफ या एमसी कैसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करना आता है जो लोग ब्लैक हैकिंग में या फिर तो कुछ इलीगल चीजों के लिए यूज करते हैं आपके कॉल मॉनिटरिंग या नियर अबाउट में आप आ, किसी का फोन कॉल कॉल्स करना या बाकी सारी चीजों पे जा रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि लेट सपोज हमें आपको पता, मुझे पता है क्या कि आपका सिम नंबर ये है या फिर आपका फोर का सिम है तो मैं क्या करूंगा मुझे पता है अगर फोर जी के सिम ट्वेंटी थ्री हंड्रेड पे चलती है तो आई विल लाइक उसको ना ऐसा सेट करूंगा कि वो स्कैन करेगा इस टाइम पे 2300 थ्री हंड्रेड टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड मेगा पे कौन कौन से नंबर्स इस टाइम पे इधर एक्टिव हैं तो बहुत सारे लोगों की डिटेल्स मिलेंगी और डिटेल्स मिलने के बाद जो है उन फ्रीक्वेंसी पे में से जिन भी नंबर्स को मॉनिटर करना चाहूँ उसको मैं मॉनिटरिंग मोड में सेट कर सकता हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए इसके थोड़ी देर बाद में एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ उस डिवाइसेस की कि किस तरीके से काम करता है वो ठीक है तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो आप मॉनिटरिंग या ऐसी चीजों को कर पाएंगे इसीलिए मैं ये फ्रीक्वेंसी वाले कंसेप्ट थोड़ा सा समझा रहा हूँ और ये जस्ट एन ओवरव्यू क्लासेस है इन्वेस्टिगेशन के क्लासेस में हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे हम अभी सिर्फ ये समझ रहे थे कि नेटवर्कस में हाँ इंटरनेट कम्युनिकेशन कैसे होती है और नॉर्मल कॉलिंग वाले में कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है ये पूरे के पूरे समरी है पूरा नेटवर्क्स के पार्ट का आगे के जितने भी टॉपिक्स लिखे गए हैं सबका ठीक है so, सो सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव हर्ज की फ्रीक्वेंसी निकली ये फ्रीक्वेंसी टावर तक कनेक्ट हुई और इस टावर के बाद जो है ये जा ही रही थी अंकित के पास में लेकिन ड्यू टू सम बैड वेदर या जो भी बोल लो मौसम खराब क्लाइमेट चेंजेस आंधी तूफान कुछ भी आने की वजह से अब ये तो वेव है हमारा अब जितने भी लोगों को वेव के बारे में जानकारी होंगी थोड़ा सा भी कुछ भी इधर उधर हुआ तो ये डिस्टोर्ट हो सकता है या बहुत ज्यादा तेज बारिश ऐसे कोई भी चीज ठीक है, है ये डिस्टोर्ट हो गया और ये वेव की फ्रिक्वेंसी जो है ना चेंज हो गई सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव फर्ज के बजाय जो है फिफ्टी नाइन पे आ गई थोड़ी सी घटके अब क्या होगा अब ये सिग्नल जो है टावर के पास में जाएंगी और ये उस टावर की तरफ ना जाके जो है हमारे टावर की तरफ आएगा एंड माय फोन विल स्टार्ट रिंगिंग एंड शंकर विल थिंक लाइक मैंने तो नंबर लगाया था वन टू थ्री ये गलत नंबर में कैसे कनेक्ट हो गया एंड अगेन शंकर विल डायल द सेम नंबर अगेन वो ट्राई करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है सही नंबर पर कनेक्ट हो जाए होता है ठीक है एक एक फीचर्स भी आता था ना बहुत पहले जो की आपके या अभी भी आते हैं वीओ एल टी करके आपने मोबाइल फोन पे देखा होगा ये जो फीचर्स आता था ना वीओ एल टी ये फीचर्स था नहीं पहले

तो ये पहले के फोन में भी थे क्योंकि हमने क्या किया था ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इंटरनेट डाटा और लाइक जो हमारा वॉइस डाटा होता है कॉलिंग डाटा ठीक है उनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है तो वॉइस डाटा की जो है कॉलिंग वाली जो डाटा है उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा है इसीलिए पहले के फोन में क्या होता था कि अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं और अगर कोई कॉल आ जाता है आपको तो कॉलिंग के टाइम पे वो डाटा को फर्स्ट प्रायोरिटी वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे बट आपके इंटरनेट रुक जाएंगे बाद में उसको कम ओवर करने के लिए ये फीचर्स को लाया गया वीओ एलटी वॉइस ओवर एल्टी की अब जो है अब वॉइस के ऊपर में इंटरनेट यूज कर पाएंगे इस फीचर्स की वजह से तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ लाइक हाउ वी आर कनेक्टिंग इन नॉर्मल कॉल और इंटरनेट में हम वायर या वायरलेसली हम किस तरीके से कनेक्ट होते हैं समझ में भी आ रहा है कि सब ऊपर ऊपर जा रहा है यस कहीं पे कोई दिक्कत यहां तक समझने में ये ठीक है ओके ठीक है तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं इस कहानी के पूरे लाइक like, जो समरी है न, जहां मैं ना जहां से हमें कुछ सीखना था अब हम थोड़ा सा पैक आते हैं अब स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन लिया था कि हम जब भी रिचार्ज कराते हैं 1.5 पॉइंट जीबी का या 2 जीबी का हमें आई के थ्रू से मिलता है अब ये जो डाटा है वो एक्चुअली में क्या है ठीक है अब इस क्वेश्चन का इस पूरे समरी में एक जगह पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था अभी तक के आप अगर आपने दिमाग लाकर सुना होगा तो आपने समझा होगा कि वन पॉइंट फाइव जीबी और टू डाटा एक्चुअली में क्या है टेलीफोन कंपनी के पास में कितना है कहीं से लूटा जा सकता है और इज देर इज एनी वे टू यूज इंटरनेट फ्री इन सारे सवालों के जवाब आप में से किसी को कुछ पता है प्लीज रिपीट मूवी नेम मूवी नेम है आपका लूसी एक दो मूवी आपको मैं और सजेस्ट करूंगा आप सारे दीज़ दीज़ में देखते जाना जर्नी है एक घंटा वैसे भी एक महीने के बाद में ड्यूरेशन बढ़ा लूंगा दो घंटे फिर और दूसरे महीने के बाद फिर तीन घंटे फिर क्योंकि बाद में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होंगे फिर हैकिंग में ये थ्योरेटिकल पोर्सन चल रहा है तो न चलो तो और इसको कट करते हैं तो पहले तो हम उस सवाल का जवाब देते हैं कि इस देर इज एनी वे टू यूज इंटरनेट फ्री तो इसका जवाब यस भी है और नो भी है डायरेक्टली नो no, लेकिन इनडायरेक्टली यस ठीक है अब हम इंटरनेट को ऐसे चोरी तो नहीं कर सकते हैं फ्री में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बट देर इज एन अल्टरनेटिव कि हम दूसरे का इंटरनेट चोरी करके हम काम कर सकते हैं ये आपके अः अभी जो तीन दिन के मैंने सेशन बताए अगले तीन दिन के जो सेशन होंगे उस पर हम देखेंगे उसको ठीक है कि दूसरे के इंटरनेट स्टील करके हम किस तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज वन क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन की बातचीत करते हैं कि वन पॉइंट फाइव जीबी या फिर टू जीबी जो हमें डाटा मिलते हैं ये डाटा कहाँ से आते हैं कितने हैं इसका क्या आंसर है किसी ने कुछ बताया गया चैट बॉक्स में हाँ, वैसे तो हम एक इसके किस इस पे भी मूवी थी एक हॉलीवुड मूवी थी इसलिए मैंने मूवीज आपको बताता जाऊंगा मूवीज से काफी कुछ सीखने को मिलता है उसमें वो बंदा क्या करता है कि ये, ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया था काफी लाइक मुझे आठ नौ साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था जो भी आपको चिप आते ना तो चिप में आप ध्यान से देखना ऐसे से करके अलग अलग सेक्शन बना रहा है अलग अलग में अलग अलग ऐसे करते हैं ठीक है बट ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक ही नंबर के छह सिम चाहिए और उसके लिए आपको सिम की एक डिवाइस लेनी पड़ेगी तो उस बंदे ने इस पर्टिकुलर सेक्शन में से कुछ पोर्शंस को रब कर दिया था ताकि जो है टेलीफोन कंपनी के पास में कुछ पर्टिकुलर चीजों के डिटेल्स ना जाए राइट इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वीआई या बोडाफोन के ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे मैंने तो पॉसिबिलिटीज थी बट अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है इसमें अब अदर अल्टरनेटिव हम जाएंगे तो थोड़ा सा काम करेगा वो ठीक है तो फिलहाल के लिए इसका आंसर ये है कि वन जीबी या टू जीबी या फाइव जीबी जो भी हम डाटा की बातचीत करते हैं ये एक्चुअली में डाटा कहीं है भी नहीं है ही नहीं मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है दो टीबी चार टीबी या पीबी या बहुत ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस में ये सारी डाटा जो है पड़े हुए हैं टेलीफोन कंपनी के पास में और ये बांटते जा रहे हैं कि लो पांच सौ रुपये में दो जीबी एक सौ रुपये में तीन जीबी ऐसा करके बांटते जा रहे हैं कभी उनके पास में खत्म नहीं होगा ऐसे कुछ चीजें है ही नहीं पता है वो क्या करते हैं देखो यहाँ दोबारा सुनते हैं तो अगर किसी ने पूछा आगे से तो आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकना मैक्सिमम लोगों को आम जनता इस्तेमाल कर रही होती है बट उनको यही नहीं पता कि ये जीबी जो हम इस्तेमाल करते हैं है क्या अब होता है क्या है ना कि लेट सपोज की आई एस ठीक है आई मतलब की आपकी, आपके आप पे कंट्रोलिंग करने वाले टेलीफोन कंपनी जिन्होंने जो आपको डाटा लगातार दे रहे हैं अब आप, आपको जो मैंने आईपी एड्रेस दिखाई थे ना उस आईपी एड्रेस में एज एन सिग्नल वाइज ले लो आप ठीक है आपको डाटा आ रहा है क्योंकि आपने पैक भराया है दो जीबी का लेट सपोज दो जीबी का लेट सपोज ठीक है अब आप क्या कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन पे लेट सपोज आपको पांच सौ एम बी की मूवी डाउनलोड, डाउनलोड करनी है तो रिक्वेस्ट ऐसे बनेगा लिफाफा में ठीक है और ये लिफाफा कैसे निकलेगा सिग्नल के फॉर्म में ऐसे उड़ता 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 टावर ओवर होते होते सबसे पहले जाएगा तो कहा आईएसपी के पास ही जाता है वो अब हो सकता है टेलीफोन कंपनीज के इसी आईएसपी के पास जा रहा होगा या अंडर आईएसपी के पास में राउटर के पास में जा रहा होगा

यहां से जो डाटा आ रहा है ये मोबाइल फोन और ये इधर इंटरनेट ठीक है ये बीच में कंट्रोलर है इसने क्या किया इसने बीच में एक दरवाजा जैसा ऐसा कुछ ओपन कर रखा है बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आम इंसानों इन, की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि समझ तो में आए तो ये कंट्रोलर है बीच में ये कंट्रोलर को ना बीच में ओपन कर देगा क्यों क्योंकि इसने चेक किया अच्छा पांच सौ एम का रिक्वेस्ट कर रहा है ठीक है जाने देते हैं ये गया और जाके पांच सौ एम का डाटा लेके भी आ गया आने देगा इसको डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे सौ एम बी दो सौ एमबी तीन सौ डाउनलोड कम्प्लीटेड हो गया अब ये क्या करेगा इस आईपी मॉनिटरिंग कर रहा था क्योंकि दिया तो इसी ने पब्लिक एड्रेस अब सर्च करना वो एड्रेस नहीं जो मैंने मोबाइल फोन पर दिखाया था डायनेमिक आईपी एड्रेस था ठीक है ये अलग एड्रेस है तो इस आईपी एड्रेस के बेसिस पे इससे इस मॉनिटर किया गया कि अच्छा इसने अपना पांच सौ एमबी का डाटा इंटरनेट से मंगा चुका है तो लिमिट खत्म ठीक है इसने कहीं से दिया गया नहीं दिया इसने क्या की इसने सिर्फ वो कंट्रोलर लगाया अब फिर से इसने क्या किया वन पॉइंट फाइव जीबी की एक और मूवी डाउनलोड करना चाहिए ये देखे क्या अच्छा ये दरवाजे से जा सकता है क्या इस इस टाइम टाइम पे क्योंकि इसने तो की की रिक्वेस्ट है हाँ, इसके पास में इस इंटरनेट है तो ये भेज देगा उसके बाद फिर डाउनलोड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा लेट दो जीबी का कर देता क्योंकि पांच सौ एमबी तो उसने पहले ही इस्तेमाल कर चुका है तो वन पॉइंट फाइव जीबी तक और ये डाटा इस रास्ते से इस तक आने देता डाउनलोड होने देता और जैसे ही उसकी लिमिट खत्म हुई ये दरवाजा यहां से क्लोज अब आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते मतलब कि क्या मतलब कि इंटरनेट दे नहीं रहा है सिर्फ ये ये अलाउ कर रहा है कि आप जो है कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हैं और हम उसको राउटर के थ्रू वायर के थ्रू आपके डाटा रिक्वेस्ट को भेजेंगे और वहां से डाटा आपके रिक्वेस्ट को ला के देंगे और या फिर तो उसी रास्ता से आएगा मतलब कि किसी ने एक रोड बना दी और इस रोड में चलने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा नहीं तो दरवाजा बंद साठ रुपए दो टोल टैक्स उसके बाद फिर आगे जाओ ऐसे वाला सिस्टम ठीक है तो ये सिस्टम पे चल रहा है तो दैट दट मीन इज नथिंग नाइक वन पॉइंट फाइव जीबीपाटा टू समथिंग लाइक दैट उनका बस कर वो पांच जीबी का डाटा दे देंगे आपको और हाई स्पीड रास्ता दे, दे देंगे और और कंट्रोलिंग दे देंगे कि ठीक है अब इतने इतने सारा कुछ मंगाओ ज्यादा पैसा मंगा रहे हो तो इसीलिए तो वो काम करते हैं ना कि हर जगह पे वायर उन्होंने बिछा दिया दिस इज दिस काइंड ऑफ थिंग और उसका उन्होंने बोल दिया क्या नहीं ठीक है आप जो है इस पे ये पैक भराओ इतने जीबी का भराओ आपको इस वायर से भेजेंगे तो वही सेम भेजने में काम करते हैं एंड दैट इज द रियलिटी Of of 1.5 GB GB and 2 GB of data something like that. हो नहीं नहीं है, तो है है। तो सकते हैं ऐसे ऐप हो मुझे तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है वो कुछ अदर अल्टरनेटिव में इंटरनेट देते होंगे कई बार ऐसा कुछ एंड बाकी सारी चीजें ऐसे कुछ चलती हैं तो ठीक है पक्का समझ में आ रहा है चलो तो अभी वाईफाई में भी एक ऑप्शन रहता है हमें जहां तक लगता है नहीं वाईफाई वगैरह में वो तो कहीं, कहीं ना कहीं से आ रहे वैसे तो फ्री में इंटरनेट थोड़ी मिल रहा है किसी और का मिल रहा है या फिर तो हम कहीं और से कनेक्ट हो रहे हैं वैसे वो है ठीक है ये ये लंबा कहानी है कि इंटरनेट वैसे किसी थर्ड पार्टी लोगों की चोरी कर सकते हैं वो ऑप्शन है बट उसमें होंगे सेशन सेपरेट सेशन होंगे लंबी कहानी चलेंगी वो दो मिनट में नहीं समझ में आएगा तो हाँ वाईफाई वगैरह से कनेक्ट हो वो सारे अल्टरनेटिव तो है ही है सो कंक्लूजन ऑफ लाइक सेशन इसको कंक्लूड करते हैं आज के सेशन में हमने सीखा कि मोस्ट ऑफ द जर्नी वायर्ड होती है, normal, uh, वाले कैसे होते है या फिर तो इंटरनेट वाले कैसे होते हैं उसमें आईपीएड की फंडामेंटल थोड़ी सी समझ में आई एंड डाटा के बारे में थोड़ा समझ में आया अब इन टावर के बारे में समझ में आया फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ में आया इन सब पे इन डिटेल्ड जो सेशन है से, वो हमारे नेटवर्क से सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स में दिए गए हैं जो कि फर्दर आने वाले डेज पे हम स्टार्ट करेंगे या फिर तो अपकमिंग डेज पे होंगे ठीक है फिलहाल तो हमारे कल को डाटा रिकवरी पे सेशन होने हैं तो वो नहीं होगा जब भी थ्योरेटिकल सेशंस हो तो उस पे होंगे राइट कल के सेशंस के लिए आज का एक जो छोटा सा जो मेरी कहानी मैंने पहले बताया था हमारी जो सेशंस हैं वो वे, वेब वेब सीरीज की चलती हैं ठीक है थीके? तो कल क्या हम देखने वाले हैं उसके लिए एक छोटी सी कहानी ताकि आप उस पर सोच के आओ मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको वो कहानी एक रियल घटना है लेट सपोज कि आपके पास में चार जीबी की ड्राइव है ठीक है मैंने काफी बार इन सारी स्टोरीज को सुनाया है फोर जीबी बी की पेनड्राइव है फोर जी बी की है इस ड्राइव पे मैंने क्या किया मुझे अपने फ्रेंड से मूवी लेनी थी काफी पहले की बात है ये और यहाँ से ही मेरी हैकिंग जर्नी शुरुआत हुई थी मुझे लगता है मैं नाइन्थ क्लास में नाइन्थ क्लास में डेस्कटॉप पे कोई तो गेम या हार्ड ड्राइव पे कुछ भी ऐसे कुछ मैं या क्लासेस में खेल रहा था और सारे थे मेरे ठीक है तो वहां से स्टार्ट हुई थी उसके बाद की एक घटना थी ये जिस टाइम पे फोर जीबी की पेनड्राइव थी और फोर जीबी की पेनड्राइव में मुझे मेरे फ्रेंड्स से जो है मूवीज लेने थे ठीक है और अभी मुझे एक्जेट एग्जेट सब कुछ डाटा और साइज नहीं पता मैं रफली बता रहा हूँ आपको तो मुझे एक एक जीबी की जो है पांच मूवी पसंद आ गई ठीक कितनी, कितनी है पहले सपोज की एक तो पूरी क्या किया ना कि यहाँ पे दो मूवी डाले या तीन मूवी डालें जितनी कैपेसिटी थी फिर मैंने डिलीट किया फिर एक मूवी डाला फिर मैंने डिलीट किया फिर एक मूवी डाला मैंने फिर डिलीट किया और फिर खाली मूवी सॉरी खाली पेनड्राइव लेकर वापस आ गया जब मैं घर गया घर जाने के बाद मैंने उसमें से सारे डाटा रिकवर कर लिए ठीक है so, सो इस पे क्वेश्चन क्या है है इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, कि पहला तो मेरा ये आता है पहले तो चमत्कार वाले क्वेश्चन हटाते हैं डाटा रिकवरी अभी तक बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा माई क्वेश्चन फॉर ऑल द न्यू बिगनर्स इज दैट कि ये ड्राइव जिसे मैं मूवी डालता हूं एंड मैंने डिलीट किया और मैं खाली ड्राइव लेके आ रहा हूं ठीक है अब उस खाली पेन में एक्चुअली वो पेन क्या है वो खाली है कि भरा हुआ है क्वेश्चन ये है कि अगर वो खाली है ठीक है तो वहां से 4GB की अलग से फाइल आ कैसे गई ठीक है ये काफी मिस्टीरियस क्वेश्चन है सुनने में सोचने में जो है ना काफी इजी सा है कई बार हमारे पास में आंसर भी होता है बट इनके एक्चुअल लॉジक्स से हम जाएंगे तो नैनो रजिस्टर्स और जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं ना उस एड्रेसेस तक की डिटेलिंग आती इसलिए मैंने पहले बताया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डिटेल में जाना चाहो मैं नेटवर्क से सेशन में उतना डिटेल से घुस जाऊंगा आप चाहो तो नेटवर्क्स के दो-तीन टॉपिक में एक-एक महीने सेशन दे सकता हूं उस कई बार बच्चे बोल जाते हैं मैंने जब सीखा था मुझे 6 महीने लगे थे सिर्फ नेटवर्क्स पढ़ने में पूरा नेटवर्क्स पढ़ने में उसके थ्योरीज फिर मेरे खुद के रिसर्च चलते हैं उसमें कि मुझे मेमोरीज पे या रिसर्च करना काफी सही लगता था इस वजह से में भी और कुछ नई चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जो मैंने खुद ढूंढ रखे सो so, चार जीबी की पेनड्राइव अगर वो खाली है तो उस पर अलग से मूवी जब हम डाल रहे हैं तो जा कैसे रहा राइट सॉरी अगर भरा हुआ है तो जा कैसे रहा है और अगर खाली है तो उससे चार जीबी की फाइल मैंने निकाले कैसे और अगर वो फाइल था तो कहाँ था ऐसा कुछ तो नहीं कि इसके बी अंदर में ऐसा कुछ ब्लैक होल जैसा स्पेस हो और वहां पे वो चार जीबी प्रेजेंट हो और बाकी सब कुछ खाली था और जब मैंने रिकवर किया तो चार जीबी की फाइल भी रिकवर हुई ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता मेजिकल या जादुई भरा वाला और हैकिंग है भी ऐसे कुछ कि भाई अगर चार जीबी की पेनड्राइव से मैंने उसको डिलीट कर दिया और इस पर हम कल प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं कि अगर चार जीबी या आठ जीबी की पेनड्राइव होगी हमने पूरी मेमोरी उसमें डाली हमने डिलीट किया और सारा का सारा मेमोरी हम रिकवर भी कर लेंगे और सारा ही आ जाएगा ऐसा नहीं कि कुछ रह जाएगा अगर लेट से कोई चार जीबी के पेंडाइवे चार हमने जीबी के कुछ फाइल डाला और चार जीबी हम उससे जी भर कर लेंगे तो मुद्दा यह है कि जब हमने डिलीट किया तब वो खाली था कि भरा हुआ था और अगर भरा हुआ था तो कहाँ था ठीक है और खाली भी था तो लाइक उससे हम निकाल गए डाटा इसका आंसर अभी किसी के पास है तो आप बता सकते हैं नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कल जब प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे तो कल देखेंगे तब तक के लिए हम सेशंस को फिलहाल टू बी कंटिन्यूड में छोड़ते हैं तो कहानी आगे कल बढ़ेंगे ठीक है ये तो सही है कहीं से भी रिकवर होता होगा रिकवरी इज अनदर थिंग बट ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मुझे ऐसे बताओ जैसे मैं समझ सकू जितना जीबी का होता है उतना नहीं रहता है उसमें रिसाइकल बिन का प्रोग्राम किया हुआ रहता होगा ओवरऑल तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पेनड्राइव अगर चार जीबी की है तो कैपेसिटी चार जीबी की होगी उसके अंदर में इंटरनल स्पेस वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा कि पर डिलीटेड फाइल अपने अलग स्पेस चार जीबी में रहते होंगे उसके आ, या फिर तो आठ जीबी में रहते होंगे ऐसा कुछ या अगर ऐसा भी कुछ है ना कि लेट सपोज उसके अंदर में पहले से फाइल थे चार जीबी के जब मैंने डिलीट किया था जिसको हम रिकवर कर सकते हैं तो दोबारा से मैं चार जीबी की फाइल डालूंगा तब तो उसमें चला जाएगा और जब मैं दोबारा से फाइल ला रहा हूँ चार की तो पहले वाले जो थे उसमें चार की फाइल जिसको हम रिकवर करते वो कहाँ गया फिर ऐसा कुछ तो नहीं है कि हवा में उड़ गया होगा क्योंकि वो तो सेकेंडरी डिवाइसेस से, है उड़ भी नहीं सकता क्वेश्चन समझ में सबको सोच क्या ना जिसके पास सही जवाब होगा उसको मैं टॉफी गिफ्ट कर दूंगा जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं Anybody who had the answer? लोगों ने अभी तक डाटा रिकवरी किया है वैसे जो की नॉर्मल है सॉफ्टवेयर बेस वगैरह गूगल पे मिल जाते हैं वो डाटा एग्जैक्टली exactly, उसमें थ्री पॉइंट समथिंग ही होता है सोचो चार जीबी के पेन ड्राइव पे मैं चार जीबी का फाइल ला दूर चार जीबी का रिकवर कर दू तो चमत्कार नहीं लगेगा भी भी ऐसे भी होते हैं इसके पीछे क्या सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन था वैसे मैं भूल गया था क्योंकि ये रेयर ऑफ द केस होते हैं ऐसे भी होते हैं कि चार जीबी की ड्राइव से मैंने पांच जीबी का फाइल रिट्रीव किया ये भी ठीक है।, है अब सोचना है इस पे कि क्या होगा कैसे होगा और इनके जवाब यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे पहले ही बता दे रहा हूं बट हाँ आप रिसर्च करेंगे थोड़े गूगल्स वगैरह पे ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके पीछे की मेमोरी एड्रेसिंग एंड फंडामेंटलिंग इसके क्या होते हैं ठीक है ऐसे तो बहुत कम संभव है बट वो तो आंसर बताओ कि डाटा कहाँ जाते हैं कैसे निकलते हैं उसमें खाली रहता है भरा हो रहता है उसके मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहिए एंड थर्ड क्लासेस विल बी ऑन वीपीएन एंड प्रॉक्सी कि हम अपने आप को एनोनिमस कैसे रखें हाइड कैसे रखें ताकि हम ट्रैक ना कर सकें या पुलिस किन किन चीजों से ट्रैक करती हैं तो वो हमारे थर्ड डे पे होंगे जो कि कल थर्सडे ना आई गेस हाँ तो फ्राइडे को होंगे वो चलो ओके गाइस तो बिन फोल्डर में स्टोर होता होगा नहीं बिन फोल्डर क्या मतलब लैपटॉप में या पेनड्राइव में पे थोड़ी ऐसा कुछ बिन फोल्डर होता है चलो कल के प्रैक्टिकल सेशन में हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा तब तक के लिए कहानी यहीं तक रहेंगी और ये वाले सेशन कल आपके यूट्यूब पे चले जाएंगे उसमें सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में नेटवर्क सीरीज करके तो मिल जाएगा आपको ठीक है बट जब हम लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो सो होगा ना सर बिन फोल्डर नहीं ऐसे कैसे आप कोई ड्राइव में आपके फोल्डर थोड़ी होते हैं आप ये बता रहे हैं कि पेन ड्राइव के अंदर कोई बिन फोल्डर होता है और उसमें सेफ्ट होते हैं डाटा ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसके कंसेप्ट अलग है थोड़ा तो हम कल डिस्कस थोड़ा करेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे और ये प्रैक्टिकल देखने हैं, तो आप भी एक खाली पेन ड्राइव लेके बैठना हम कुछ फ्री टूल्स का इस्तेमाल करेंगे टूल के प्रैक्टिकल आप साथ पे साथ करते चलना ताकि आपकी प्रैक्टिसिंग होंगी और लाइव सेशन के यही फायदे हैं क्योंकि हैकिंग में कई सारे रिकॉर्डेड वे कुछ टूल्स काम नहीं करते सो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाते चलो ओके देन गाइस बाय बाय गुड नाइट टोल विल मीट अगेन टुमारो